नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। आज है 6 सितंबर दिन रविवार। तो चलिए बिहार के 15 बड़ी खबरों के बारे में आगे इस वीडियो में जानते हैं। तो फटाफट से सभी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं, और अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, और अपनी तरफ से एक प्यारा लाइक इस वीडियो को ज़रूर कर दें। बिहार में जानलेवा कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। इस वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। बिहार में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1727 मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमित की संख्या बढ़कर 1,45,861 हो गई है। बिहार में फिलहाल 18,708 कोरोना के एक्टिव मरीज हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में कोरोना से 13 लोगों की मौत हो गई है। अब तक राज्य में कुल मरने वालों की संख्या 741 हो गई है। अगली बड़ी खबर, 12 सितंबर से 80 नई स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। इसके लिए रिजर्वेशन 10 सितंबर से शुरू होंगे। रेलवे ने 12 सितंबर से 80 नए स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है। इसके लिए 10 सितंबर से रिजर्वेशन शुरू होंगे। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनोद कुमार यादव ने शनिवार को ये जानकारी दी। रेल मंत्रालय ने पहले कई श्रमिक स्पेशल ट्रेन सेवाओं के साथ साथ IRTC स्पेशल ट्रेन सेवाओं की शुरुआत की थी। कोरोना महामारी के कारण इस समय सभी यात्री ट्रेन सेवाएं निलंबित है। अभी देश में कुल 230 स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही है। वहीं आपको बता दें, अनलॉक 4 की गाइडलाइन जारी होने के 3 दिन बाद भारतीय रेलवे ने कहा था कि रेलवे आने वाले दिनों में 100 और ट्रेनें चलाने की योजना पर काम कर रहा है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट करके कहा कि रेलवे के सभी 3 श्रेणियों की भर्ती प्रक्रिया 15 दिसंबर से किया जाएगा शुरू। कोरोना महामारी की वजह से एक तरफ जहां देश की अर्थव्यवस्था बेहद कमजोर हो गई है, वहीं दूसरी ओर बेरोजगारी भी काफी बढ़ गई है। देश के बेरोजगार युवाओं की चिंता को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट करके कहा कि रेलवे में विभिन्न पदों की सभी 3 श्रेणियों के लिए भर्ती प्रक्रिया आवेदन की जांच पूरी की जा चुकी है। विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए परीक्षाओं का आयोजन 15 दिसंबर से शुरू किया जाएगा। बता दें कि कोरोना महामारी की वजह से कई सरकारी विभाग में नई बहाली लंबित है। शिक्षक दिवस पर शिक्षकों का विरोध प्रदर्शन, सरकार के सामने रखी 4 सूत्री मांगे। निजी विद्यालय को खोले जाने सहित 4 सूत्री मांगों को लेकर भारतीय स्वतंत्र शिक्षण संघ के बैनर तले निजी विद्यालय के व्यवस्थापक, शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों ने चेहरे पर काली पट्टी लगाकर भूखे प्यासे रहकर काला दिवस के रूप में विरोध प्रदर्शन किया। शिक्षकों ने आज के दिन को काला दिवस के रूप में मनाया। संघ के अध्यक्ष भारत मानस ने बताया कि हमारी 4 सूत्री मांगों में सभी निजी विद्यालय के क्षतिपूर्ति हेतु 2-2 लाख रुपए प्रदान करने, निजी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी को कम से कम कोरोना काल में प्रति कर्मचारी 25,000 प्रदान करने एवं कोरोना से बचाव के लिए मार्गदर्शन देते हुए निजी विद्यालय को यथाशीघ्र खुलवाने का है। अगली बड़ी खबर सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले को लेकर है। रिया चक्रवर्ती के भाई सौविक का हुआ बुरा हाल, मुंबई कोर्ट ने सुनाया ऐसा सख्त फैसला। मुंबई की एक अदालत ने शनिवार को दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के भाई सौविक चक्रवर्ती और उसके हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा को 4 दिन के लिए NCB की हिरासत में भेज दिया है। दोनों को सियोन अस्पताल में मेडिकल चेकअप के बाद अदालत के समक्ष पेश किया गया था। सुशांत मौत मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ड्रग्स एंगल से सौविक और मिरांडा से लंबी पूछताछ की थी, जिसके बाद शुक्रवार को दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा की नई टीम तैयार। नित्यानंद को चुनाव प्रबंधन और रविशंकर को प्रचार का जिम्मा सौंपा गया। बिहार में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा ने नई टीमें बनाई है। कई कमेटियों का गठन किया गया है। चुनाव प्रबंधन समिति की कमान केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय को सौंपी गई है, जबकि सहसंयोजक प्रदेश महामंत्री दिवेश कुमार होंगे। कमेटी में पार्टी के सारे सांसद, राज्य सरकार के भाजपा कोटे के मंत्री और कोर कमेटी के सदस्य को भी शामिल किया गया है। इसी तरह चुनाव प्रबंधन समिति की कमान स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे संभालेंगे। इसमें आवास, परिवहन, हेलीकॉप्टर, मीडिया, सोशल मीडिया समेत कई उप कमेटी बनाई गई है। प्रचार समिति की कमान केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के पास ही होगी। तो बिहार के किसानों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। बिहार में सभी किसानों को खेती के लिए अलग से मिलेगी बिजली।
खेती के लिए अलग से बिजली देने की योजना इस महीने पूरी हो सकती है। किसानों के लिए डेडिकेटेड फीडर अलग करने का काम अब अंतिम चरम में, हालांकि राज्य में बाढ़ के कारण कुछ इलाकों में इस योजना को पूरा करने में थोड़ी परेशानी हो सकती है, पर बिजली कंपनी की कोशिश है कि हर हाल में इसे इस महीना पूरा कर लिया जाए। योजना पूरी होने पर अगले माह से राज्य के सभी किसानों को खेती के लिए अलग से बिजली मिलने लगेगी। मौसम विभाग का पूर्वानुमान, 15 और 16 सितंबर को पटना में होगी भारी बारिश, आज से दिखेगा असर। पटना समेत बिहार के अन्य जिलों में गर्मी से कोई राहत मिलती नहीं नजर आ रही है। लोगों का गर्मी से बुरा हाल हो गया है, ऐसे में मौसम विभाग की तरफ से राहत भरी खबर आ रही है। मौसम विभाग ने 15 और 16 सितंबर को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में कम दबाव का क्षेत्र बनने से बिहार में बारिश के आसार बढ़ गए हैं। 15 से 16 सितंबर तक पटना समेत पूरे सूबे में भारी बारिश हो सकती है। बिहार में चला मास्क जांच अभियान, 438 वाहन मालिक और 1456 लोगों पर लगाया गया लगभग 9 लाख रुपए का जुर्माना। बिहार में सार्वजनिक परिवहन के वाहनों में विशेष सघन मास्क जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान नियमों का उल्लंघन करने पर 438 वाहन मालिक, बस ड्राइवर, कंडक्टर, यात्री लगभग 1456 लोगों पर लगभग 9 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सार्वजनिक वाहनों में सफर के दौरान फेस मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है। लोगों के मास्क लगाना सुनिश्चित कराने के लिए शनिवार को विशेष अभियान चलाया गया। वहीं दूसरी खबर बगहा से सामने आ रही है, SDM ने चलाया मास्क जांच अभियान, नियम तोड़ने वाले पर लगाया गया जुर्माना। NH-727 के स्टेट बैंक चौक पर SDM शेखर आनंद के नेतृत्व में मास्क जांच अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान सड़क पर बिना मास्क के गुजर रहे राहगीरों को रोककर अधिकारियों ने जुर्माना लगाना शुरू कर दिया। मौके पर SDPO कैलाश प्रसाद समेत टीम लोगों से मास्क का प्रयोग करने की अपील करती हुई नजर आई। कन्हैया कुमार की नागरिकता खत्म याचिका खारिज, याचिका पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने JNU छात्र संघ अध्यक्ष रहे कन्हैया कुमार की नागरिकता समाप्त करने की मांग में दाखिल याचिका खारिज कर दी है। साथ ही फिजूल की याचिका दाखिल कर कोर्ट का समय खराब करने के लिए वाराणसी निवासी याची नागेश्वर मिश्र पर 25,000 रुपये का हर्जाना भी लगाया गया है। कोर्ट ने हर्जाने की रकम एक माह के भीतर महानिबंधक के समक्ष जमा करने का निर्देश दिया है। अगली बड़ी खबर, BSEB इंटरमीडिएट परीक्षा 2021 के लिए ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि को 10 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटरमीडिएट परीक्षा 2021 में सम्मिलित होने के लिए ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने की आखिरी तारीख बढ़ा दी है। अब छात्र छात्राएं 10 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पहले आवेदन फॉर्म भरने की यह तिथि 4 सितंबर 2020 तक थी। साथ में बोर्ड ने यह भी कहा कि छात्र का आवेदन यदि 4 सितंबर तक भरा जा चुका है, लेकिन उसके आवेदन में छात्र के माता पिता का नाम, नाम की स्पेलिंग, फोटो, जन्मतिथि, जाति, धर्म, राष्ट्रीयता, कोटि, लिंग, विषय आदि से संबंधित कोई भी संशोधन करना है तो वह अपने संस्थान के प्रधान के माध्यम से सुधार कर सकते हैं। वहीं अगली खबर, बिहार के मदरसों में शिक्षा का अंदाज, नए सेशन में छात्र चुन सकेंगे साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स का विकल्प। बिहार मदरसा शिक्षा बोर्ड ने आगामी शैक्षणिक सत्र को लेकर खास तैयारी की है। बोर्ड ने इस अप्रैल से शुरू होने वाले सत्र में आधुनिक और मुख्य धारा के पाठ्यक्रम को अपनाने का फैसला किया है। इसमें छात्र कक्षा 10 के बाद साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स में किसी भी विकल्प को चुन सकते हैं। इसके साथ ही SCERT और NCERT पाठ्यपुस्तकों को अपनाने का विकल्प भी उनके पास होगा। बिहार BJP अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि NDA में शामिल सभी पार्टियां एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी और हम 3/4 बहुमत के साथ विजय होंगे। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के लिए BJP और JDU में सीट बंटवारे को लेकर चल रही बात पर उन्होंने कहा कि इस संबंध में BJP का संसदीय दल फैसला करेगा।
अगली बड़ी खबर पटना से सामने आ रही है। पटना में शराब तस्करों और पुलिस के बीच मुठभेड़, दारोगा को लगी गोली, कई पुलिसकर्मी भी घायल। पटना में शराब माफिया और पुलिस कर्मियों के बीच मुठभेड़ हुआ है। इस मुठभेड़ में दारोगा को गोली लगी हुई है, जबकि कई पुलिसकर्मी पिटाई और पथराव में घायल हो गए हैं। घायल पुलिसकर्मियों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। यह घटना पटना के जक्कनपुर थाना क्षेत्र की है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि पुलिस को सूचना मिली थी कि शराब तस्कर शराब की खेप उतार रहे हैं। इस सूचना पर कार्रवाई करने के लिए पुलिस गई हुई थी। उस दौरान शराब माफियाओं ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि इस दौरान एक युवक को गोली भी लगी है। इसी के साथ ही आज के समाचार में इतना ही। डेली बिहार के बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बिहारी मीडिया को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बगल वाले नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं, जिससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहे।